ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गोमातायै नमः। लंपी स्किन डिजीज गौमाता के एक भयंकर रूप अभी पूरे भारतवर्ष के भूखंड में एक भयावह महामारी का रूप ले चुका है और मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश और कुछ न्यूज के अनुसार अंडमान निकोबार कुछ और भी प्रदेशों में इसका संवाद बहुत सारे सोशल मीडिया में दूरदर्शन न्यूज़ मीडिया में भी आ रहा है। हम सभी गोभक्तों को इस समय जो भी गौ माता के लिए हृदय में दर्द है आप सभी महानुभावों को मेरा विनती है इसके लिए जहाँ कहीं भी इस प्रकार का समस्याएं हो रहे हैं आप सरकार के को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें पशु विभाग में प्लस आप अपना कर्तव्य को भी निभाना ना छोड़ें। हालांकि एक अच्छा खबर ये भी है कि यह बीमारी हमारे देसी गायों को भारतीय नस्ल के गायों को इंडिजिनियस जेब्बो काउ को नहीं है या कम है या रेजिस्टेंस नेचुरल कंडीशन में है यानी जो भी विदेशी नस्ल के गाय हैं जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन इस प्रकार के जो भी गाय हैं उनको ये बीमारी होने से छूटना मुश्किल है या नहीं और हो जाने से उनका 13-14 दिन के अंदर मौत तय है। तो गाय है गोमाता तो गोमाता है। हालांकि हम लोग आज तक विगत 15-25 साल से देसी गाय के बारे में ही रक्षा का हेतु प्रयास करते करते आ रहे थे और अभी ये एक समय है जहां पूरे गोवंश के ऊपर विपदा है। तो आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है भले वो जर्सी हो होल्स्टन हो फ्रिजियन हो दूध तो उसका भी पिए हो चाहे वो पुतना माई हम बोल दें लेकिन गौ माता तो गौ माता है ही। जब भारत में आए जरूर ये सच है कि जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन विदेशी गाय का दूध का परिणाम बहुत भयावह है लेकिन दूध जिसका खाया उसका फर्ज तो निभाना है। तो प्लीज़ अब इस समय मेरे सारे गोभक्तों को मेरा अनुरोध है जो भी मेरे को ये 5K व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं 5.7K हैं आप सबको मेरा हाथ जोड़ के विनती है इस समय ये भिन्नता नहीं देखना है कि हमारा देसी गाय और विदेशी गाय सभी गौ माता का सेवा करना है। मेरा ये अपील है मेरे गोभक्तों के क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मेरे गोभक्त हैं सारे भारतवर्ष में मैं कथा करके आया हूँ केवल कश्मीर और ये साउथ में 4 राज्य छोड़ने से बाकी हर राज्य में मेरा पहुँच है हर राज्य में हमारे गो भक्त हैं मेरा भक्त है ऐसा नहीं कह रहा हूँ गो माता के भक्त हैं मेरे को सारा भारत गौ कथा वाचक के ना रूप में देखा है। यद्यपि इससे पहले मैं गीता रामायण जी के ऊपर भागवत जी के ऊपर सप्तसती के ऊपर देवी भागवत के ऊपर कथा जरूर करता था लेकिन गौ भक्त के गौ कथा के नाम पे विगत 12 साल से ये मेरा यूट्यूब चैनल 13 साल से ये यूट्यूब चैनल का उम्र है और आप सभी गौ भक्त सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स सबको मेरा अनुरोध है इस समय हम लोगों का ड्यूटी बहुत है और पहला बिंदु क्या करना सरकार को खबर देना जहाँ भी हो रहा है ताकि रोकथाम जल्दी से जल्दी हो सके। दूसरा ये है कि हम सब कोशिश करें इस समय कि ये जर्सी गाय जर्सी फ्रिजियन इत्यादि का दूध हो
बाकी इन्फेक्टेड दूध हो उसका किसी भी रूप में लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए हम सबसे जो नियम के आधार पर और दूसरे को कष्ट नहीं दे के संभव है अपने बुद्धि प्रयोग करके उसका उपयोग करें, और उसी अनुसार जैसे आपके सरकार बहादुर जैसे बता रहे हैं उसके नियम के अनुसार प्रतिपादित करके काम करें। तीसरा बिंदु यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि गाय इन्फेक्टेड नहीं हो तो उसके लिए कई सारे गोभक्त और गो रक्षा के संस्थाएं इस प्रकार के मेडिसिन और इंजेक्शन और जो भी डोजेस हैं वो दे रहे हैं, तो उनसे संपर्क करें, और सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे संगठन अवेलेबल हैं। स्वाभाविक बात है गो माता के ऊपर कई सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, और नहीं तो आप मेरे को बोलिए, मैं उनको लिंक करा दूंगा आपके साथ मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट करने से। उनका ज़रूर वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और स्पेशली जहाँ इफेक्टेड नहीं है झारखंड उड़ीसा में नहीं है, और ये लोग तो जल्दी से जल्दी कर लें। और तीसरा ये है कि नहीं हो इसके लिए हमारे आयुर्वेद और हमारे जो तंत्र विद्या है उसमें विधाएं हैं। सबसे पहला गौ मढ़क, एक उड़िया में हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं गौ मढ़क, इसमें सबसे पहला उलगन किया जाता है, एक विधाएं हैं आजकल सब भूल गए हैं, वो अगर जानते हो तो वो तुरंत करा लो, नहीं जानते हो तो फिर आप मेरे को पर्सनली, क्योंकि ये ओपनली नहीं कहा जाएगा, मेरे को सब पागल बोलेंगे या फिर अंधविश्वासी बोलेंगे, उसको मैं ओपनली नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर करा लें। जो जिन गांव में जानते हैं, मेरा बात ज़रूर उन गांव तक भी पहुँचता है, जिन अति निघंच गांव पे मैं कथा करके आया हूँ, तो वो लोग ज़रूर करा लें। तीसरा, ग्राम देवति के पास जो भी आपके ग्राम देवती हैं वहाँ पर जाके झुणा और पणा का व्यवस्था जो करते हैं ओझा लोग करते हैं, उनको बोल के कराइए। आप विश्वास करें नहीं करें, मैं बोलने के लिए हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन ओपनली बोल रहा हूँ, ये सारा विधाएं मैं विगत 30-40-45 साल से देखते देखते आ रहा हूँ, बढ़िया काम करते बहुत सारे इस प्रकार के इन्फेक्टेड डिजीज़ ठीक हो जाते हैं। तंत्र विज्ञान में इसका इलाज सबसे पहला कि संभव हो तो गोमाता के जहाँ गौशाला है उसको तो साफ सुथरा रखेंगे, अशुद्धता से दूर रखें। साल का एक अट्ठा आता है झूणा जिसको डालने से धुआं होता है, ये ज़रूर दें। शुद्ध देसी गाय का घी है तो एक दिया जलाएं तो इससे भी अच्छा समाधान मिलता है। मैं जानता हूँ मेरा बात आप लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या पागलपन है, लेकिन ये सारे टोटके गाँव वालों का मैं देखते देखते आया हूँ तभी बोल रहा हूँ। चूना का पानी के साथ सिंचन करना ये अत्यंत उपकारी है। नेक्स्ट, गोबर का सूखा गोबर का छेना देसी गाय का गोबर में धुआं दें और उसमें झुना लगा के दें। नेक्स्ट, अग्निहोत्र एक विधा है, आप मेरे YouTube चैनल में बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र बाय संजय जी 75 लिखेंगे, या फिर 9437580589 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु, इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय संध्या समय में किया जाता है। सबको अनुरोध है आप अपने गौशाला में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने स्थान में, अपने प्रांत में इसका विधान को जितना ज़्यादा प्रचार हो सके और लोगों के द्वारा कराया जा सके कराइए, और इफ पॉसिबल जो जिस जगह में नहीं है हमें बुलाइए, हम जाने के लिए तैयार हैं इस प्रकार के मास को समझाने के लिए कि आप सबको ही अगर अग्निहोत्र करते हो कैसे, इसका विज्ञान है अग्निहोत्र विज्ञान से कि इस प्रकार के जीवाणु फैलने से बहुत अच्छा रोकथाम होता है, तो अग्निहोत्र का जरूर सहायता लें। तीसरा है कि अगर चंडी पाठ, सतचंडी पाठ अगर संभव हो जिस जगह में बहुत अफेक्टेड है तो वहाँ से भी आपको समाधान मिल सकता है। इन विधाओं को आप अगर प्रयोग करते हैं तो ये लिम्फोस्किन डिजीज़ इस प्रकार का जो
जीवाणु जनित संक्रमण है, कोरोना से भी ज़्यादा फास्ट इसका गति हो रहा है और देखा जा रहा है जैसे ये एक प्रकार के पॉक्स, कोई बोलता है मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस प्रकार का ये भी एक, और ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप हमारे उड़ीसा में 600 साल पुराना मालिका में देखोगे, अच्युत मालिका है, पंचसखा का मालिका है, इस प्रकार के जो बताया गया कि अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ तो फिर जो मालिका का वचन है, मालिका जो प्रेडिक्शन दिया है कि आने वाला 23 से लेके 27 और आखिरी 48, तो यानी 2027 और 2048 और 23, 24, 25, 26, 27, ये शनि का मीन गोचर, ये टाइम पीरियड खंड प्रलय का होगा और कलयुग समापन, इस प्रकार का जो बात लिखा गया है, आप लोग विश्वास करें नहीं करें ये आपका मतलब है, हमें जो दिखाई दे रहा है, हम तो हैं आचार्य संजय, तो जो दिख रहा है, और मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, जो लोग मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल नहीं जानते हो अभी तक, इस चैनल के मेरे मित्र संजय कैपिटल जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल चैनल पे कैसे कलयुग का समापन और कैसे खंड प्रलय होने वाला है, कैसे चारों तरफ सूखा होगा, सब तरफ हाहाकार होगा, चाइना और का युद्ध होगा और विदेशी जो विधर्मी लोगों का हमारे देश के ऊपर आक्रमण होगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाया हूँ मालिका के आधार पर, हमारे ओडिशा से जो अच्युत मालिका बताया गया है, और उसमें ये बताया गया कि जिस समय सारा गोवंश खत्म हो जाएंगे, समझ लेना युग समापन हुआ और चारों तरफ प्रलय, सूखा, भुखमरी, जलजला और फिर विश्व समापन की ओर जाएगा, तो वो परिस्थिति ये नहीं हो, इसीलिए भगवान के सामने गोमाता के पास प्रार्थना है। और हम लोग जो 1857 से लेके अब तक गोमाता के ऊपर जो अत्याचार, अनाचार, हत्या और तस्करी, गोमाता को कष्ट, उसका ये भी एक भयंकर नेचुरल, नेचर हील इटसेल्फ एंड नेचर कंट्रोल इटसेल्फ का रूल के अनुसार प्रकृति अपना बदला तो लेगी। अब इस प्रकार का ये जो जीवाणु है, इसमें कुछ वैज्ञानिक ये भी बोल रहे हैं कि ये जीवाणु जिस प्रकार गायों के शरीर से जाके, बाकी कुत्तों के शरीर में भी मैं देखा हूँ, और भी बाकी जीवों को इन्फेक्टेड होना, और ये जीवाणु मक्खी और मच्छर के माध्यम से ब्लड के से ट्रांसप्लांट होकर, ट्रांसमिट होकर दूसरा जगह में जाना, और फिर ये म्यूटेट करके करेगा, और जो भी इसका मांस भक्षण करने वाले हैं या गौ का नेगेटिव उत्पाद उपयोग करने वाले हैं, उनके जीवन के लिए एक भयंकर विपद है। इसके लिए आप सभी को सावधान होने के लिए मैं अनुरोध करता हूं, और जो कुछ हम लोग गलती किए विगत 1857 से लेके अभी तक, कृपा करें, और अभी कैसे गोमाता रक्षा हो, उसके लिए हम सबका मिलित प्रयास का आवश्यकता है, और स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। इसके ऊपर मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, गो मड़क और गो का विनाश संपूर्ण अगर होता है तो कैसे धरती से हमारा युग समापन का ये आगाज़ रहेगा, लाखों लोग मरेंगे और एक भयंकर दुर्भिक्ष का अवस्था आएगा, वो लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, तब उत्ताप बढ़ जाएगा, सूर्य का उत्ताप इतना बढ़ेगा कि लोग जी नहीं सकते, जलजला इतना होगा, हम लोग जैसे बताया गया है जगन्नाथ जी पुरी में इतना ऊंचा में 22 पायवच में मछली खेलेंगे, जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के छतियावट में आएंगे, रसिया लेगा, ऐसे बहुत सारे बात है मालिका में बताया गया, जो लोग विश्वास करें नहीं करें अलग बात है, लेकिन कहीं ये उसका सिग्नल और सिम्टम तो नहीं है, इसलिए हम सबको एकमात्र प्रयास करना चाहिए, भगवत सत्ता के आगे प्रार्थना करना चाहिए, गोमाता के पास प्रार्थना करना चाहिए, अग्निहोत्र जरूर करना चाहिए, अग्निहोत्र का जो राख है गोमाता के ऊपर छिड़कना और उसका धुआं से इसका जीवाणुओं का संक्रमण रुकने का और कंट्रोल होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप मेडिकल और सरकार को नहीं माने, उसके साथ ही करें,
और ये जो महानतम काम गौ माता का रक्षा के लिए कर रहे हैं, इस महान काम में आप सबका सहायता और अपने गो भक्तता का प्रमाण इस समय दिया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए या इस प्रकार के और डिटेल्स के लिए या वैक्सीनेशन और जो भी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं गौ माता के लिए, आप संपर्क कर सकते हो, या गौ कथा के लिए भी संपर्क कर सकते हो, या अपने स्थान पर इस प्रकार के गौ माता का रक्षा हेतु हमें आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर गौ कथा और बाकी अग्निहोत्र का जानकारी और इस प्रकार के मनुष्य जगत में इस प्रकार का समस्या नहीं हो तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। और YouTube में बाकी चैनल के साथ लिंक करने के लिए संजय SANJY SPACE G75, फिर फिल्टर में जाके ऑल बटन में चैनल, फिर अप्लाई करेंगे, सारा एस्ट्रोलॉजी का चैनल से लेके गौ कथा का बाकी सारा चैनल आ जाएगा, स्वास्थ्य गुरुकुल का चैनल पंचगव्य के ऊपर डिटेल आ जाएगा, उसमें आप लिंक कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।